बिग बॉस के घर में आयशा खान ने एंट्री ले ली है और एंट्री लेते ही आयशा की वजह से मुनव्वर और अनुराग के बीच में जोरदार लड़ाई हो गई है। तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। आपको बता दें कि आयशा खान बिग बॉस के घर में वापस आ गई है, उनकी तबीयत खराब हुई थी जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और वो अब वापस आ चुकी है मुनव्वर का गेम बजाने के लिए। तो आपको बता दें कि आते ही आयशा सबसे मिली लेकिन मुनव्वर से मिली नहीं और फिर बाद में मुनव्वर और आयशा का जोरदार झगड़ा भी हो गया। तो आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद अनुराग आयशा के पास बैठ के मुनव्वर के बारे में कुछ चुगली करते रहते हैं जिसपे मुनव्वर भड़क जाते हैं और मुनव्वर अनुराग से पूछते कि भाई तुझे किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना है क्या। और अनुराग कहते हैं कि ऐसा मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ ये वो। तो दोनों के बीच में इसी बात को लेकर जोरदार लड़ाई हो जाती है और अनुराग और मुनव्वर दोनों एक दूसरे को देख के मुंह बनाने लगते हैं, एक दूसरे के पर्सनल के ऊपर बोलने लगते हैं। दोनों मतलब इतने लड़ लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के पर्सनल फाइट पे भी उतर आते हैं, जिसके बाद अनुराग मुनव्वर के कैरेक्टर पे भी उतर आते हैं। तो जो भी होगा हमें कल के एपिसोड में पूरा पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि आयशा के आने के साथ ही मुनव्वर और अनुराग के बीच में जोरदार लड़ाई हो गई है। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे, मुनव्वर और अनुराग के फाइट में आपको कौन सही लगा कौन गलत, कॉमेंट में जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप।